हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत चीन में सीमा विवाद के बीच 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया था। जिन ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया था उसमें टिकटॉक, वीचैट, हेलो, यूसी ब्राउजर जैसे लोकप्रिय ऐप्स भी शामिल हैं। अब भारतीय सेना के जवानों को अपने स्मार्टफोन से 89 मोबाइल ऐप्स डिलीट करने को कहा गया है। ऐसा क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। एक तरफ भारत चीन सीमा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा तो दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच वार पलटवार जारी है। चीन को परास्त करने के लिए भारत सरकार ने ऐप स्ट्राइक की। उस वक्त देश में 59 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया गया। उन प्रतिबंधित ऐप से सूचनाओं के लीक होने का खतरा भी बना हुआ था। वहीं अब सेना के जवानों को भी अपने फोन से कुछ ऐप्स डिलीट करने होंगे। गौर करने वाली बात यह है कि इनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्रू कॉलर और टिकटॉक जैसे लोकप्रिय ऐप भी शामिल हैं। भारतीय सेना के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सेना के जवानों से ऐसा इसीलिए कहा गया है ताकि सूचनाओं के लीक होने की घटनाओं को रोका जा सके। भारतीय सेना ने 89 ऐप्स बैन कर दिए हैं। सेना ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि बैन में शामिल सभी ऐप को तुरंत अपने स्मार्टफोन से हटा दें। इस आदेश के बाद अब सेना के जवानों को स्नैपचैट, वीचैट, वीबर, पबजी, क्लब फैक्ट्री, न्यूज डॉग, डेली हंट, कैम स्कैनर, काउच सर्फिंग, जूम, यूसी ब्राउजर, आईएमओ, लाइकी, ब्यूटी प्लस और हंगामा जैसे तमाम लोकप्रिय मोबाइल ऐप अपने स्मार्टफोन से डिलीट करने होंगे। ये कदम इसीलिए उठाया गया है क्योंकि सैन्य अधिकारियों और सैनिकों पर इन ऐप्स के जरिए चीन और पाकिस्तान द्वारा ऑनलाइन निगाह रखने की घटनाएं बढ़ी हैं। आपको बता दें, बीते नवंबर में सेना ने अपने स्टाफ को निर्देश दिया था कि आधिकारिक काम के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल ना किया जाए। साथ ही महत्वपूर्ण पदों पर मौजूद सेना के अधिकारियों से फेसबुक अकाउंट डिलीट करने को कहा गया था। डीबी लाइव की रिपोर्ट।